नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं नवीन कुमार आपका एक बार फिर से डिवाइन स्टोरी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो चार धाम यात्रा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि कैसे आप इस साल केदारनाथ धाम यात्रा में जा सकते हैं, कितनी भीड़ है इस साल यात्रा में, और सुनने में आया है कि 20 श्रद्धालु जो है वो भीड़ की वजह से इस समय अपनी जान गंवा चुके हैं इस यात्रा में, और जो है डेली के जो है दोस्तों लाखों श्रद्धालु इस धाम में पहुंच रहे हैं। तो क्या व्यवस्था कर रहा है प्रशासन और कैसे दर्शन हो पा रहे हैं, क्या कोविड रिपोर्ट आपको लेके जानी पड़ रही है, ई पास कैसे बनवाएं, ये बहुत सारे डाउट हैं। रूम मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं, रूम है तो कितने का मिलता है, और सबसे सस्ते रूम कैसे आप यहाँ ले सकते हैं, डॉर्मेट्री कितने का मिलेगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं भक्तों के मन में। और स्पेशली जो है इस बार हेलीकॉप्टर को लेकर बहुत बड़ी दिक्कतें चल रही हैं। हेलीकॉप्टर से बहुत सारे जो है यात्री दर्शन करना चाहते हैं लेकिन उनके हेलीकॉप्टर टिकट बुक नहीं हो पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इस समय जो है यात्रा में जो है संकट है यात्रा के दौरान। और ऑफलाइन हेलीकॉप्टर भी आप बुक कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, और कैसे जो है आप इस धाम तक पहुँच सकते हैं, और कितना जो है आपका बजट रहने वाला है, कहाँ से आप बस से जा सकते हैं, गाड़ी से अगर आते हैं तो कौन सा रूट आपके लिए सबसे अच्छा है, कितना डीजल पेट्रोल का आपका खर्चा आएगा, क्या सेफ़ रहेगा अपनी गाड़ी से यात्रा करने में, और क्या आप बाइक से यात्रा करेंगे तो कैसा रहेगा। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं जो भक्त लोग जानना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं क्या केदारनाथ मंदिर के आसपास जो है रूम्स मिल जाते हैं या होम स्टे मिल जाते हैं, रुकने की क्या व्यवस्था है, और किस समय यात्रा ट्रैक शुरू करें जो है हम समय पर ऊपर केदारनाथ धाम में पहुंच सकें और आसानी से अपने दर्शन कर सकें। इस तरह की दोस्तों बहुत सारी जानकारियां आज मैं आपको दूंगा आज शाम 8 बजे के लाइव वीडियो में। तो इसलिए मैं आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज शाम 10 मई 2022 के दिन शाम 8 बजे हम लोग लाइव जुड़ेंगे आप सभी के साथ, और पूरी जानकारी देंगे, इन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे आपको जो भी हमने इस वीडियो के दौरान बताए हैं आप सभी को, और बहुत ही लेटेस्ट जो है न्यूज़ मैं आप लोगों को देने वाला हूं आज के शाम के 8 बजे के लाइव वीडियो में। इसलिए जिस भी भक्त ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि शाम को जो है हम 8 बजे जैसे ही लाइव आए तो आपके पास जो है नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो में ज्वाइन कर सकें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक बार आज शाम 8 बजे लाइव वीडियो में, इसलिए लाइव वीडियो में ज़रूर जुड़िएगा और सारी जानकारी आपको वहाँ लाइव वीडियो में उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कैसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव, जय श्री केदार।